तो लगेचच कानपोली क्रिकेट संघाच्या विरोधात खेळणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु एमडी गडगे सर, क्या मुकाबला हुआ रोशन। कानपोली ने 12 गेंदों पे 41 चेस किए और दीवार टीम को ये पूरा सरप्राइज मिला कि इतने जल्दी मैच फिनिश हुआ। और कानपोली को रुकना है क्योंकि इसके बाद शायद उनका मुकाबला होगा एमएलए ट्रॉफी 2023 देवी चपाड़ा की पहली नाइट रजनी। और हमारे सामने ये जो बैनर है ना, वाडा ग्रुप का बैनर जो मुख्य आयोजक की भूमिका में अशोक सालुंके साहब भी उनके साथ जुड़े, ये तस्वीर, इनकी चर्चा वाडा ग्रुप के माध्यम से एमएलए ट्रॉफी की चर्चा यहाँ पर जरूर करेंगे। गेम ऑन, पहले राउंड का दूसरा मैच, कप्तान सूरज है बल्लेबाज। बल्ले के जड़ में शशि जाधव एक ऐसे गेंदबाज है ना, एक मंजे हुए, मैं कहूंगा मास्टरमाइंड रोशन, क्योंकि कई मैदान पे सीरीज जीतने वाला कोई खिलाड़ी होता है ना, शशि का नाम सबसे ऊपर आता है। नक्कीच चांगल्या खेळीची या लढती दरम्यान प्रचिती पाहायला मिळेल। गोलंदाज सज्ज होतो शशि जाधव, ज्याची दमखम आपण अनेक क्रीडा नगरीमध्ये पाहिली। ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिड डॉनला चेंडूची धडपकड पाहायला मिळते आणि त्यानंतर एक धाव इथे प्राप्त होती प्रवीण, एकूण एक धाव स्कोर कार्ड वरती। दर्शक हे मानवी समुद्र, इंसानी सैलाब, ये क्रिकेट के प्यारे दर्शक है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन अच्छा मैच देखना मिलना चाहिए इनको। नक्की तो चार षटकांची जेव्हा लढत असते ना, तर फास्टेस्ट गेम पाहायला मिळतो टेनिस विश्वामध्ये, आणि तो फास्टेस्ट गेमचा मनसुबा राहिलाय आमच्या आमदार ट्रॉफीच्या आयोजकांचा। क्वेश्चन देखिए, विजय मात्रे को कई कॉल आए, भाई 5 ओवर रखो, 5 ओवर नाइट मैच 18,000 भर रहे। विजय मात्रे कभी किसका सुनते नहीं है, वो तो अपने दिल का राजा है, जो चाहिए उनके टूर्नामेंट है। 4 ओवर का मैच, फूलर लेंथ की बॉल है, शायद गैप में है, फील्डर है, लेकिन बाउंस बढ़िया था और गेंद निकल गई, 1 बाउंस सीमा पार, स्वीपर कवर पे, रन मिलेंगे 4। पापन विश्वास पाटिल चौकार दाखता पाहिला, एक अटैकिंग मूड मध्ये खेळत असताना विश्वास, अगली पेशकश ऑन साइड ला फटकार राहिलाय, डीप मिड विकेट वरून शतरक्षक धावतोय, दुसरीचा प्रयत्न आहे परंतु नकार देतोय सूरज पाटील। पापन नेहमीच सार्थ 11 शिवशक्ती खारगर टीमची शक्तिशाली जोडी पाहतो, सूरज पाटील आणि विश्वास पाटील आजही आमदार ट्रॉफीच्या माध्यमातून या दोन गुणवान खेळाडूंना पाहू शकता। जी हा, खारगर प्रीमियर लीग आज समाप्त हुई, ओमकार पाटील को वापिस 2 व्हीलर बाइक मिली, बढ़िया स्ट्रोक है इनके नाम पर, सीरीज की 4 व्हीलर है। सूरज पाटिल ऑन फायर 6 रनों के लिए। चीते मात्र पूर्तता केली जाईल, मॅच बॉल येणं कठीण आहे कारण पूर्णपणे वनक्षेत्र पाहायला मिळतं। पा इथे वन विभागाच्या सहसाथीनं या मैदानाला पूर्णपणे आपण कार्यरत पाहता, याच मुख्य कारण आहे खऱ्या अर्थानं देवीचा पाडा। रोशन देखिए, सामने नदी भी है इसलिए यहाँ पे ज्यादा ठंडी लग रही है आपको, क्योंकि नदी का जो इलाका होता है ना बहुत ठंडीदार होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, अगर आप बाहर निकलोगे ना तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखेगा, थोड़ी गर्मी। नक्कीच आकेच्या अंतरावरती कासाडी नदी पाहता, त्यानंतर आपण पनवेल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे वनक्षेत्र पाहताना पालेखुर्द आणि देवीचा पाड्याच्या मधोमध त्याच मुली की काय थंडगार गारेगार वातावरण इथे पाहायला मिळतं आमदार ट्रॉफीमध्ये। चेंडूची इथे मागणी केली जाते, तात्काळ आयोजक आपण चेंडूची इथे पूर्तता करायची आहे। जी हाँ, डगआउट पे गेंद चेक कर रहे हमारे ओमकार पाटिल, आज उन्हें वापिस एक बार बाइक मिली सर्वेश ठाकुर ओमकार को केपीएल में, पिछले साल भी इनको ही बाइक मिली थी ओमकार पाटिल को, काफी अच्छे फॉर्म में। नक्कीच खारगर प्रीमियर लीग मध्ये आपण या खेळाडूची दहशत पाहिली, चला आपण तात्काळ चेंडूची पूर्तता करायची आहे। स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7-11 शिवशक्ती खारगर टीमची, एकूण बिन गडी बाद 12 धावा धावपटलबती लागल्या। क्या बात है, 6 रातों की ये टूर्नामेंट है, पंचम ट्रॉफी
पांच टीमें जीतेगी यहाँ पे। देखिए ज्यादातर चार टीमें जीतती है, टॉप फोर होता है, लेकिन टॉप फाइव है। एक टेनिस क्रिकेट का नया फॉर्मेट जो आपने किरौली में देखा, वही फॉर्मेट ये अमदार ट्रॉफी में इस्तेमाल किया है हमारे वाडा ग्रुप के विजय मात्रे। देखिए हमारे बिल्कुल संजय पाटिल, प्रशांत पवार, विकास मात्रे, उनके साथ हमारे गोटिया शुभम नॉन्टी और कई सारे वाडा ग्रुप के सदस्य जुड़े, उनका ये शानदार और बेहतरीन आयोजन और साथ में ग्रामस्थ मंडल देवी चपाड़ा। नक्की चांगले नियोजन पाहायला मिळतं। शशी तैयार, शशी जाधव चा हा चेंडू, तेज तर्रार चेंडू ची आपल्याला सफर पाहायला मिळते। डॉट बॉल राहिलाय, पहा इथे एका षटकाचा कार्यकाल होते समाप्त आणि एका षटकाच्या खेळीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या पाहायला मिळते। सार्थ धन्वी 11 शिवशक्ती खारगड टीम ची एकूण बिन गडी बाद 12 रन। नवनाथ म्हात्रे, विकास म्हात्रे, अजय चिखलेकर, अजय चिखलेकर। रोशन देखिए, किसी को कभी कम ना समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन 5 करोड़ का चेक साइन करता है। पिछला मुकाबला देखिए, जो टीम हारी ना दीवा, उसने आज बालकुम में गोरसई को हराया फाइनल में, तो मुझे लगा कि वही टीम जाएगी सुपर 8 में 100%। लेकिन कानपुली ने 2 ओवर में चेस किए, तो किसी को कम ना समझना इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। नक्कीच प्रवीण, सर्वाधिक मोठा उलटफेर पहिल्याच लढतीमध्ये पाहिला, दिवा संघा विरोधात विजयाचा मावा चाकला आई गावदेवी 11 कानपुली टीम न। क्या बात है, आप भी एक टीम को मौका बनेगा, लेकिन लगातार 2 जीतेगी वो जाएगी सुपर 10 में, क्योंकि सुपर 10 टॉप 5 है, इसलिए सुपर 10 5 टीमें ट्रॉफी उठाएगी। महज 2 जीतनी है उनको मुकाबले। कहते हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। बॉलिंग ट्रैक पर ओवर नंबर 2 लखन, मेरा नाम है लखन, मेरा नाम है लखन, ये गाना आपने सुना होगा बॉलीवुड में, ये वही लखन है। नक्कीच लखलखीत गोलंदाजी ची आखणी करण्यासाठी बॉलिंग ट्रैक वरती श्याम स्पोर्ट्स रोरपाली टीम चा लखन येतो। अनेक वर्षांचा तजुर्बा आणि अनुभवाची शिदोरी त्याला या मॅच मध्ये ओतावी लागेल, आणि त्या दर्जाचा पहिला चेंडू लखन सबर केला प्रवीण। बिल्कुल समय समय की बात है रोशन, देखिए आज आपका समय है, कल हमारा होगा। देखिए जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटी को खाती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछली को खाती है। सबको मौका मिलता है, भले सूरज ने अभी छक्का मारा, लेकिन अब रोटपाली को मौका मिला है गेंदबाजी का। लखन ये चलिए, ये पुराना चावल है, लखन 25 साल से क्रिकेट खेल रहे, इनके सामने रिवर्स थोड़ा मुश्किल बनेगा। नक्कीच लखन वयूरच्या विरोधामध्ये सूरज पाटील एक विश्वासदर्शक फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत होता। रिवर्सचा फटका म्हटला तर दुधारी तलवार चले तो दुश्मन की नहीं तो खुद की गर्दन कट जाए, अशा फटक्याचा वापर करत होता सूरज पाटील। इथे बलशाली फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बाद चिकडा पहिला दे धक्का, सार्थ धन्वी 11 शिवशक्ती खारगड टीमला खेळाडू बाद होतो, सूरज पाटील पहिला दे धक्का। मैंने देखा तूने देखा। क्या बात है, अब आएंगे मैदान में ओमकार पाटिल, इस साल इनके जय जयकार है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में इनको बाइक मिली, आज भी इनको केपीएल में बाइक मिली, पिछले साल भी मिली थी, ये बाइकर मैन है। लेकिन अब जो आउट हुए सूरज, उन्हें 4 व्हीलर मिली थी, अब इनका बल्ला चलना चाहिए तो 50-60 लगेंगे, क्योंकि परेश कड़के आपके सामने, शशि जाधव है और बबूल जो करता है पैसा वसूल, अगर ये बड़े खिलाड़ी है तो 60 चाहिए, 70 तो चाहिए। सर्वाधिक बेमिसाल लड़ती आस्वाद पहू सकाल अमदार ट्रॉफी देवी चपाड़ा 2023 आई गावदेवी मैदान देवी चपाड़ा या मैदान वरती ही क्रिकेट ची परवानी है। आणि 2 संघ आमने सामने, रोडपाली संघाच्या अगेन्स्ट खेळतो खारगर, धावा धाव पटला वरती एकूण 1-13 आणि नवीन खेळाडू येतो बॅटिंग मार्क वरती ओमकार पाटील। बाय हात का ओमकार पाटील, ये खारगर का क्रिस गेल है, अगर इनके स्लॉट में आते है तो देवी चपाड़ा के प्लॉट में जाएगी हर एक गेंद। लेकिन लखन, मैंने कहा 25 साल का तजुर्बा कब काम आएगा,
तो शायद आज काम आएगा। कहते रहा संघर्ष की जोत चलता है वही दुनिया को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। अनुभव अनुभवाची शिदोरी उतरण्यासाठी लखन बोल बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज आहे आणि पहिल्या तीन चेंडू मध्ये फक्त एकच जाव या खेळाडून खर्ची केली, एक डॉट बॉल राहिला आणि अलीकडच्या चंडूगणिक सूरज पाटील सारखा धाकड खेळाडू बॅक टू द पवेलियन जाताना पाहिला। लखन बोईर पुन्हा एकदा तयार बॉलिंग ट्रॅकवर। लखन चा हा चेंडू टॅपिंग क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न होता। सन अँड शाईन शोक लगावत असताना रिंगणामध्ये चेंडूची पकड पाहायला मिळते, चांगली फिल्डिंग दाखवली जाते, त्या ठिकाणी शशी जाधवची दमकम पाहायला मिळते। कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट खेळणं चाहते ओमकार सूरज का भी विकेट गिरा तो वो नहीं चाहते कि लगातार विकेट जाए, सिंगल डबल से भी थोड़ा मैच को आगे बढ़ाया जाएगा, एक अच्छी रणनीति। देखिए जब प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी इस्तेमाल करो, यही क्रिकेट का दस्तूर है। जब अभी गेंदबाजी नहीं चलती तो बल्लेबाजी चलनी चाहिए, प्लान ए और बी हर टीम के पास होता है। लखन तैयार है, विश्वास स्ट्रोक बढ़िया है, मिड विकेट पे फील्डर तैनात है लेकिन गैप में आखिरकार लास्ट मोमेंट में पकड़ लिया और यहां से महज एक परेश कड़गे त्याच्या सहसाथीने आपण खेळाडू पाहिला ऋतिक बोईर यांच्यामध्ये ताळमेळ झाले आणि त्या कारणास्तव कुठेतरी आपल्या सांघिक कोठ्यासाठी या दोन खेळाडूंनी तीन धावा वाचवल्या। प्रवीण परेश कड़के वल्लभ के मैदान पर लेट लेट के छक्के मारे इन्होंने और लाइव में आपने देखा होगा सरपंच चषक इनके नाम पर है लेकिन टीम सुपर एट में नहीं गई लेकिन खेल बहुत कमाल का था। वही परेश कड़के आज भी लेट लेट के छक्के मारेंगे, अपने कपड़े गंदे करेंगे लेकिन रोटपाली को खुश करेंगे। नक्कीच A1 सरपंच ट्रॉफी मध्ये नावडे संघाच्या विरोधात ती खेळी राहिली होती, परेश कड़केचे ते कडक फटके पाहिले आपण, परंतु आज त्याच रिदम मध्ये खेळण्यासाठी सज्ज असेल शाम स्पोर्ट्स रोटपाली टीमचा खेळाडू परेश कड़के। क्या बात है, ओमकार तैयार है, पहली बॉल सिंगल, अभ्यास किया, स्टडी किया बॉलर की गेंदबाजी का, क्या आप बल्ले का मुंह खोलेंगे या वापस कैलकुलेटेड खेलेंगे। राउंड विकेट बच गए, ये लगी थी भाई, ये बहुत बड़ा मौका छोड़ा है आपने, ओवर की समाप्ति। रितेश रितेश भोईर होते अष्टांच्या मागे आणि प्रवीण हा झेल कितपत मागडा ठरू शकेल हे सुद्धा पाहावं लागेल। बिल्कुल ये तो पूरा मॅच था मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये क्रिस गेल सेट हो गया तो बड़े स्ट्रोक आएंगे। रोहित शर्मा का क्या छूटा था आपने देखा होगा क्रिकेट में। प्रवीण आणि रोशन खऱ्यार्थाने लखन भोईरला आज बघितलं, बऱ्याच कालावधी नंतर लखन भोईरने संघामध्ये पुनर्गम खऱ्या अर्थाने परतण्याचं काम केलं। पण लखनच्या बद्दल सांगायचं झालं ना, अनेक वर्षे खऱ्या अर्थाने रोडपाली क्रिकेट श्याम स्पोर्ट क्रिकेट संघाची ताकद म्हणून या गोलंदाजाकडे बघितलं जातो आणि त्याची उणीव सातत्याने या संघाला भासायची। नक्कीच ती पोकळी खऱ्या अर्थानं भरून काढणं कठीण होतं, आज त्याची दहशत पाहायला मिळते, परंतु रितेशनं सोडलेला ओमकार पाटीलचा झेल, ज्या ओमकार पाटीलनं रायगड प्रीमियर लीगचं सत्र गाजवलं, RPL ज्याच्या माध्यमातून गाजली गेली आणि नुकताच 5 तासापूर्वी KPL अर्थातच खारघर प्रीमियर लीग मध्ये ज्यानं स्वप्नातील मोटर बाईक जिंकली असा खेळाडूची झेल सोडणं कितपत कठीण होईल या ठिकाणी रोडपाली टीमला। पाले उतरे घेतील राहुल तांडेल यांचं आगमन इथे झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर रोडपाली गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व गुरुनाथ ठाकूर यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। यावं आपण व्यासपीठावर आपलं गावदेवी मित्रमंडळ देवीचा पाडा आणि वाडा ग्रुपच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे। पारी की तीसरी ओवर सूरज भोईर के हाथों पे। कहते जिंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, आज रातों से जो लड़ेगा वो जीतेगा, ये मौका मिला है लेकिन तजुर्बे से भरा हुआ विश्वास पाटिल ओल्ड इज गोल्ड। गोलंदाज सूरज भोईर बॉलिंग ट्रैक मध्ये सज्ज होत असताना एका गोलंदाजाचा वापर आणि त्यानंतर वेगवान फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता फळी चंडू यांच्यामध्ये, प्रवीण नाळ जोडली जात नाहीये, डॉट बॉलची समाप्ती राहिली आहे। देखिए रोशन एक गेंदबाज आहे सूरज भोईर, उन्हें शायद 10-15 साल का अनुभव है और सामने 30-25 साल का अनुभव विश्वास पाटील, अनुभवी है एक्सपीरियंस है लेकिन उतना ही युवा गेंदबाज उनके सामने रखा है रोटपाली ने, दूर रखा लेंथ को, लाइन भी दूर रखी, कमाल की ओवर है ओवर पिच बॉल। पहा प्रवीण एकूण चंडू खेळलाय विश्वास पाटील 6
आणि धावा येत आहे त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून सात. ज्या पद्धतीने सत्ता यायला हवी होती बॅटिंगच्या माध्यमातून ती सत्ता पाहायला मिळत नाहीये विश्वासकडून. हे चार ओव्हर का मॅच आहे, अगर चार गेंद भी डॉट आई ना तो आपके लिए गेंदे कम बचेगी. ये छोटा क्रिकेट है भाई विश्वास तैयार. एक और शून्य शायद नहीं, ये व्हाइट बॉल है. एक धाव खूप काही बळ देऊन जाईल अशा रीतीने सांगी कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचे. सार्थ धनवी इलेव्हन शिवशक्ती खारगड टीमचे एकूण एक गडी बाद 16 रन आणि इथे बिना दिवाळीचे रॉकेट सोडावे लागतील खारगड टीमला. बिलकुल हालात के सामने कभी झुकना नहीं, ये अब विश्वास पाटील को एक तडका दिखाना होगा. गेंदबाज की ताकत ज्यादा है मैच में. अभी इस बार दूर रखा, लाइन बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप के, व्हाइट बॉल का इशारा. लेकिन ओमकार भी स्ट्राइक चाहते, विश्वास पाटिल भी अच्छे खिलाड़ी है. ऐसे में गेंदबाज की पावर बढ़ रही रोशन, क्योंकि 24 गेंद का मैच है ना, अगर 5 गेंद भी डॉट निकले तो 19 बचते आपके पास. परंतु अलीकडच्या दोन चंडूगोनी का अपन दोन अवांतर चंडू पाहिले आणि या व्हाइट बॉलन एक ताकत निर्माण होऊ शकते विश्वास पाटिलला आणि त्या ताकदीन मोठे फटके खेळावे लागतील खारगड टीमच्या विश्वासला. क्या बात है, बॉल तैयार. क्लीन बोल्ड, ये मुश्किल मुश्किल बना, मैं कहूंगा ये सिरदर्द बन गया, परेशान किया विश्वास को सूरज ने. नक्कीच मानसिक दबाव छेडण्याचा प्रयत्न राहिला आणि त्यानंतर हळूवार पद्धतीने खेळायचं होतं ऑन साइड ला आणि त्यानंतर यष्ट्यांचा वेद होतोय आणि खेळाडू बाद झालाय विश्वास पाटील दुसरा दे धक्का खारगड टीमला. यांचा इथे आगमन झालेला आहे. गावदेवी मित्र मंडळ देवीचा पाडा यांच्या वतीने आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषकामध्ये आपल्या सरचे स्वागत आहे. स्कोर हे 17-15 गेंदों पे 17 रन, ये सुनकर खारगर के दर्शक होंगे नाराज. 17 खतरा मंडरावतो सध्याच्या घडीला सार्थ धनवी इलेव्हन शिवशक्ती खारगर टीमच्या खेम्यामध्ये. परंतु आक्रमकतेचं उदाहरण स्पष्ट करावं लागेल, वैभवशाली इतिहास जागरूक करावा लागेल. बॅटिंग मार्क वरती येतो नवीन खेळाडू वैभव आणि वैभवला मोठे फटके हे खेळावेच लागतील. उम्मीद पे दुनिया कायम आहे, अब उम्मीद है वैभव पाटील से, क्या उम्मीद पे खरे उतरेंगे. 15-17 रन, 3 बॉल बचे. बल्ला पहले घुमा लेकिन ये अंपायर का इशारा, ये डॉट बॉल है. आप कहते वेट एंड वॉच, ये देख रहे थे अंपायर. वेट एंड वॉच ची भूमिका आता मात्र फुलंदाज न करणं गरजेची नसेल, मोठे फटके तात्काळ खेळावेच लागतील. एकूण धाबा 17. गोलंदाज सज्ज होतो सूरज बोईर, एक इकॉनॉमिकल स्पेल सादर करतो. राईट मोर द विकेट न चंडू सफर केलाय, काट्यासारखा सरळ चंडू हवेमध्ये, हवाई सुंदरीला चुम्मा, हातांना घेऊ शकले नाहीयेत, जेल जमिनीला भूदान. कॉन्फिडन्स देखा आपने, उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा बीच में, मैं अकेला पकडूंगा. वो छूट गई कैच, मैं कहूंगा दोनों को जीवनदान मिला है ओमकार वैभव को. कदाचित आत्मविश्वास इथे अंगलट येत, कारण चंडू खूप उंच उडाला होता पण त्यानंतर जेल कन्वर्ट करणं खूप कठीण होतं. बॉडीचा बॅलन्स खूप महत्वाचा होता आणि तिथे मात्र जेल सोडतो खेळाडू अनिकेत. क्या बात है, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, तारे सितारे बदले जाएंगे. दोनों को मौका मिला, दोनों को जीवनदान, दो क्या छूटी वैभव ओमकार. इनको जीवनदान मिलने के बाद कितना रनों का देंगे योगदान ये जरूर पता चलेगा. 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया और जहाँ पे रोडपाली टॉस जीत के गेंदबाजी की और खारगर को बल्लेबाजी मिली और यहाँ से खारगर टीम का टोटल पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड पे 18 गेंदे 18 रन, अब लेवल पे आ चुकी है. अंतिम 6 गेंदे मुकाबले में सूरज भोईर की ओवर ने कमबैक किया है, जबरदस्त गेंदबाजी. तीनों गेंदबाज बढ़िया थे, पहले शशि जाधव, दूसरे थे लखन भोईर और तीसरे सूरज भोईर. 4 चांद लगा दिए तीनों ने. अप्रतिम स्पर्धेतील आपण टॅग सॉंग पाहता.
म्हणजे मोठा खर्च केलाय गाण्यांवरती आयोजकांनी. बिल्कुल रोशन, देखिए यूट्यूब पे हिंदी गाने उसे कॉपीराइट लगता है. अगर आप खुद के गाने बनाओगे ना आयोजक, तो वो पूरी रात भर बजेंगे, कॉपीराइट नहीं लगेगा. तो ये फायदा होता है, आपके टूर्नामेंट है, आप चाहे वो गाना अच्छा बजा सकते हैं. तो ये कई 10 या 6-7 गाने ये टूर्नामेंट के टाइटल सॉन्ग बनाए. जबरदस्त उपाय योजना इथे आखल्या जात आहेत. मास्टर माइंड कार्य राहिले मित्र म्हणेन. गाव देवी मित्र मंडल देवी चापाड आयोजित प्रकाश जोतातील नाईट क्रिकेटचे सामने अमदा ट्रॉफी देवी चापाडा 2023. 3 ओवर रोडपाली के पक्ष में, क्या खारगर के पक्ष में आएगी आखिरी ओवर. मौका मिला था दूसरी कैच ऊपर है, विकेट कीपर गए थे रितेश, यहाँ पे मुश्किल बना, 1 रन मिलेगा. ओमकार पाटिल की भी कैच छूटी थी विकेट कीपर के द्वारा. क्या इस मैदान पे उस कैच का खामियाजा रोटपाली को भुगतना पड़ेगा. जब भी टेनिस में किसी बल्लेबाज की कैच छूटती है ना, वो खिलाड़ी खलनायक बनता है. क्या वो खलनायक बनेगा ओमकार पाटिल. इथे आपण अजेवली आणि घोट संघाच्या विरोधामध्ये प्रेमनाथ 11 मुरबीच्या नाईट स्पर्धेमध्ये 2 मेडन षटक हाताळणारा खेळाडू अनिकेत बॉलिंग ट्रॅकवर दिसत आहे. जेवढी त्याची उंची आहे ना, तितक्या उंचीचा दर्जेदार खेळ टेनिस विश्वामध्ये रोडपाली टीमच्या अनिकेतचा राहिले. आज ती दहशत प्रसारित करण्याचा प्रयत्न इथे पाहायला मिळतो. तेज बॉलर है अनिकेत और ये गेंद को कट करना जानते हैं. जब भी विकेट पे गेंद गिरते है ना, काटा बदलती है, दोनों तरफ से टर्न करते हैं अनिकेत. बहुत बढ़िया गेंदबाज है, कई मैडन ओवर इनके नाम पर है. आज भी तेज गेंदबाजी करेंगे. ओमकार तैयार, स्ट्रोक बढ़िया है, गैप ढूंढी है, फील्डर नहीं है, लॉन्ग लेग के ऊपर से धरती से जुड़ा हुआ शानदार चौका. चांगला फटका खेळला गेला जिथे एकूण 4 धावा आपण इतना पाहिल्या. धावसंख्या याच पद्धतीने आग ओकावी लागेल. 9 धावा गुणतालिकेवरती जाऊन पोहोचत आहेत. 23 धावा धावपटलावरती जबरदस्त गुणसंख्याक लेखन पाहायला मिळतं. या गावातील एक युवा नेतृत्व जेव्हा आम्ही डे मध्ये असतो तेव्हाही कार्य असं चांगलं, असे आमचे बंधुतुल्य मित्र दीपेश बळीराम पाटील मॅम फ्रॉम देवीचा पाडा. क्या बात है, देखिए सबका बड़ा योगदान है टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, क्योंकि अमदा ट्रॉफी ये देवी चापाड़ा की है. और वाडा ग्रुप ये नाम आया क्योंकि सामने एक वाडा है ना, यहाँ पे इनकी पार्टीज होती है. शायद रोशन अभी आपको वहां पर जाना है. नक्कीच त्यांचा राडा पाहायला मिळतो, वाडा ग्रुप देवी चापाडा. क्या बात है, और जिनका अभ्यास है गाडा वो भी देवी चापाडा. ये हमेशा हम डायलॉग्स यूज करते हैं जब देवी चापाडा खेलती है. चलिए आखिरकार चौका लगा, एक बड़ी संजीवनी टीम खारगर के लिए. ओमकार तैयार, लाइन थोड़ी खराब है, प्रशांत अंपायर है, भालू फडके ढोगऱ्याचा पाडा. नक्कीच गोट्या अंपायरची काही काल छबी पाडते आपण पाहू शकता. त्यानंतर राम पाटील, ये राकेश पणेकर के सबसे बढ़िया फ्रेंड है मेन अंपायर. देखिए जब देवीचा पाडा रात को 3-3, 4-4 बजे नाइट मैच खेलती है ना, तो ढोंगरचा पाडा का ये अकेला इंसान होता है मैच देखने के लिए. इतना बढ़िया दोस्त है राकेश पणेकर का. पालू फड़के दूर रखा, लेंथ को थोड़ा पीछे किया, लाइन बहुत सही थी, थोड़ी कट की इस बॉल को. वेरिएशन है इनके पास, अप्रतिम वेरिएशन दाखवण्याचा प्रयत्न राहिलाय. आणि पहिल्या पूर्वार्धातील फक्त 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 10 धावपटलावरती 2-24. एक आपण व्हाइट बॉल पाहिला होता, 3 चेंडू शिल्लक असेल कारण 3रा चेंडू अवंतर राहिला. त्यानंतर डॉट बॉलची समाप्ती. अनिकेत तयार, अनिकेत 6 चेंडू फटके का येत नाहीयेत, या प्रश्नांची उत्तर, या प्रश्नांची उकल द्यावी लागेल खारगर टीमच्या प्रेक्षकांना. ओमकार पाटीलला, ऋषभ पाटील देखिए लगातार 5 दिन इन्होंने क्रिकेट खेला शायद खारगर प्रीमियर लीग में, 4 दिन, और उसके बाद थोड़ा सा थक चुके हैं ऐसा हम कह सकते. कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है, गेंदबाजी अच्छी है. अनिकेत ये गेंद को टर्न करना चाहते है, मिश्रित ओवर है, बढ़िया वेरिएशन. देखिए इस बार भी वेरिएशन जरूर था. अब आपको जरूर पता होगा रोशन, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट ना मुथैया मुरलीधरन के पास है, जो श्रीलंका के फिरकी गेंदबाज है. राशिद खान का नाम आता है, युजवेंद्र चहल का नाम आता है, फिरकी गेंदबाज हमेशा चले, ये भी फिरकी गेंदबाज है. पापन जर खेळपट्टीचा जर विचार केला तर रनिंग विकेट इथे पाहायला मिळते. एक जबरदस्त खेळपट्टी मित्र म्हणेन आयोजकांच्या माध्यमातून इथे उपलब्ध होती, म्हणजे कुठेतरी गोलंदाजांसाठी पोषक राहिली खेळपट्टी. 26 की विकेट है और यॉर्कर डालने में भी आसान बनेगा, दूर है थोड़ी सी, एक अच्छी सटीकता मिलेगी 26 के विकेट पे. अनिकेत तैयार,
ये ब्रेक कर रहे हैं बॉल को, देखिए बैट्समैन बल्ले का मुंह खोला था लेकिन जो गेंद ब्रेक हो रही है ना उनका टाइमिंग नहीं मिल रहा है, रन आउट का मौका, रितेश दूर थे और अंपायर का सिग्नल नॉट आउट का आता हुआ और यहां से दो रन दिए जाएंगे टीम को और अंपायर बता रहे कि रन आउट के लिए ये DRS लिया जाएगा। DRS सही थे मत वापर केला जातो, रिव्यू सिस्टम अवेलेबल आहे आणि त्यानंतर राम पाटील यांनी कंट्रोल रूम कडे हा इशारा केलाय आणि त्यानंतर खेळाडू रन आउट आहे की नाहीये याची इथे कंट्रोल रूम मध्ये पाहणी केली जाते। प्राप्ती डिजिटल लाइव चे सर्वे सर्वा जीतू गोंधळी वावंजे त्यानंतर निकेश पाटील बघा जावेलेस पंचना तिसरे पंचाला इथे इन्व्हाइट केलं जाईल टेक्निशियन लाइव टेक्निशियनच्या माध्यमातून, त्यावेळेस मात्र तुमचा राखीव खेळाडू असेल त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचा आवाज देऊ नये। नक्कीच आपण सातत्याने महागुरु राखीव खेळाडू गदारोल करताना पाहतो आणि इथे जर केला तर सक्त मनाई आहे। देखिए विजय मात्रे और वाडा ग्रुप का ऐसा आयोजन है, मैंने वल्लभ का लॉर्ड्स देखा लेकिन वो चेंज नहीं कर रहे थे, बाद में चेंज किया, तो सोचिए कितने डेंजर आयोजक, यानी पेनल्टी बहुत टीमों को मिलेगी शायद। तर सन्माननीय जनार्दन मात्रे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, आपलं गावदेवी मित्र मंडळ देवी चापाडा यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे। खऱ्या अर्थाने ग्रामस्थ मंडळ देवी चापाडा यांचं विशेष योगदान आणि खेळाडू होतोय रन आउट म्हणजेच एकच धाव एक धाव इथे कपात होऊ शकते आणि स्कोरर दीपेश आम्हाला माहिती देत आहेत धावा लागल्या धावपटलावरती एकूण 26 आणि जिंकण्यासाठी 27 धावसंख्येची आवश्यकता आहे टीम श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली। रोशन देखिए पहले मैच में 41 थे, दो ओवर में कानपोली ने चेस किए, अब दूसरी मैच में एक छोटा टारगेट है 27 का, 24 गेंदों पे परेश कड़के आएंगे, उनके कड़क छक्के देखने मिलेंगे या विश्वास पाटिल की ओवर उन पे हावी होगी। नक्कीच चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट या लढती दरम्यान पाहायला मिळेल, अनेक प्रेक्षक या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतायत। अंबो अदयकर कुतरपडा खऱ्या अर्थाने शांततेचे प्रतीक, नेहमीच क्रिकेट प्रेमी म्हणून ज्यांची ख्याती राहिली आणि जर पालेखुर्द असेल त्यानंतर देवी चापाडा असेल या स्पर्धेमध्ये आपण सातत्याने प्रेक्षकांची तुफान गर्दी पाहू शकता। अशोक पाटील देखिए मेन मार्केट देवी चापाडा आहे क्योंकि यहाँ पे हमेशा दर्शक आते, मेन मार्केट देखिए आज फ्राइडे का और संडे का पूरा देवी चापाडा जाम होता है और उनको पता चला कि नाइट मैच है तो वो सब यहाँ पर आ गए, ये पूरा मेला लगा है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा रोडपाली जीते खारगर क्योंकि ये क्रिकेट के दर्दी दर्शक जो करते गर्दी। नक्कीच कारण 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात, 8 गावातील प्रेक्षक इथे येतील आणि त्याच्या बरोबरीने परप्रांतीय यूपी बिहार ओडिशा नेपाल भोपाल त्यानंतर परराज्यातील कर्नाटक बंगलुरु यातील प्रेक्षक इथे सातत्याने पाहायला मिळतात, हा इतिहास आहे। बिल्कुल देखिए काश्मीर से लेके कन्याकुमारी सभी तरह के लोग हमारे देवी चापाडा में एकता के साथ रहते, यही देवी चापाडा की ताकत है और हमारे आयोजक देखिए अशोक सालुंगे साहब 5 या 6 रात हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनका भी सबसे बड़ा योगदान है, जब भी देवी चापाडा खेलते हैं ना अशोक सालुंगे साहब जरूर आते, वल्लभ नाइट में रात को 2 या 3 बजे तक थे, ये ताकत है, ये आधार स्तंभ है। निश्चित स्वरूपात प्रवीण अतिशय सुरेखा रोशन आणि प्रवीण आपण प्रतिज्ञा दिली, ज्या ज्या वेळेस देवी चापाडा क्रिकेट संघ नाईट स्पर्धा असो डे स्पर्धा असो ज्या ठिकाणी खेळण्यासाठी जात असतो तिथे खंदे पाठीराखे म्हणून सन्माननीय अशोकदादा सालुंगे साहेबांचं खूप मोठं योगदान संघाच्या दृष्टिकोनातून नेहमी प्राप्त होत असते। क्या बात है, आज पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए लेकिन कल शायद पनवेल के हैट्रिक आमदार प्रशांत दादा ठाकुर साहब जरूर आएंगे क्योंकि अभी उनका बिजी शेड्यूल है और देवी चापाडा की जो बीजेपी कमेटी है ना बहुत स्ट्रांग है, कई कार्यकर्ता बने यहाँ से और हमारे ज्येष्ठ नेता हमारे अशोक सालुंगे साहब देखिए आज भी उनके ओर से ये काफी बड़ा आयोजन हमारे साथ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो बड़ा बैनर लगा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहब और उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी भी तस्वीर है, यानी काफी बढ़िया आयोजन आपको यहाँ से देखने मिलता हुआ। नक्कीच या परिभागाचा जर विचार केला तर पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये देवी चापाडा या गावाची गणती केली जाते आणि या परिभागामध्ये किंग मेकर म्हणून या गावाला ओळखलं जातं, सरकार गिरा भी सकते और हिला भी सकते, इतनी ताकत है। रोशन पाटील बिल्कुल यहाँ की जो वोटिंग है ना वो बहुत बड़ी है और यहाँ से मैं कहूंगा पनवेल महानगर पालिका के रिजल्ट भी आपको देखने मिलते हैं, ज्यादा अगर लोकसंख्या होगी ना तो उस गांव को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है चुनाव के द्वारा।
सर्वाधिक लीडिंग घेणार गाव म्हणजे एमआरडीसी परिभागातील देवीचा पाडा, परंतु लक्ष वेधूया माझकडे। जिंकण्यासाठी एकूण बनवाव्या लागतील 27 धावा। श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली टीमला गेम ऑन गेम स्टार्ट। खारगड टीमचा ओमकार पाटील बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार। समोर पहिली सलामीची जोडी परेश कडके त्याच्या सहसाथीनं बबुल भगत। पहिला बॉल आणि तोही फटका फसतोय, तालमेलचा अभाव आणि त्यानंतर झेल कन्वर्ट होतो पहिला दे धक्का, एक बिग विकेट परेश कडके बॅक टू द पवेलियन। परेश कडके की पारी समाप्त। इनके कई फैंस यूट्यूब पे देख रहे होंगे मैच, लेकिन वो थोड़े से होंगे निराश। कहते उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि 27 अब बचा सकती है खारगर। नक्कीच, परेश कडके सारखा धाकड़ खेळाडू बाद होणं ही सर्वात जमेची बाजू राहील ती सार्थ धनवी 11 शिवशक्ती खारगर टीम साठी। कहते हौसले के तरकिश में वो तीर जिंदा रख, हार के भी बाद जीत की उम्मीद जिंदा रख। अब जीत की उम्मीद जिंदा रखनी है खारगर को, क्योंकि परेश कडके जैसी बड़ी मछली मिल गई पहली बॉल पे। नक्कीच मैच बनू शकते त्या दर्जाची अपन गोलंदाजी पाहू शकता। ओमकार पाटील पहिल्याच बॉल वरती मोठा झटका देतो श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली टीमला। ओमकार पाटील दूसरी गेंद, पहली ओवर में इनका पावर प्ले चल रहा है, आज इनका दौर है, आज ये सितारा चमका। लाइन अच्छी है, लेन अच्छी है, महज 4 फुटवर्क का रनअप और दिमाग से गेंदबाजी हो रही है। नक्कीच दिमागाचा वापर करत गोलंदाजीची आखणी केली जाते। पा फलंदाजीच्या माध्यमातून माझ्याकडून खूप चुका झाल्या, परंतु गोलंदाजीच्या वतीनं मी चांगली गोलंदाजी करू शकतो हे दाखवून देतो। ओमकार पाटील ओहो पाड, दोन खेळाडूंवरती वार। पहिल्यांदा खेळाडू बाद होतो परेश आणि त्यानंतर खेळाडू बाद होतो राहुल भोईर, पाठोपाठ दोन मोठे झटके। ये दो झटके पहला मिड ऑन पे लगा, दूसरा सिली पॉइंट पे कैच लपका, अगर छुट्टी तो चौका जाता। ये बढ़िया कैच थी, ये मैच बनेगा लो स्कोरिंग, लेकिन ये दिल की धड़कने तेज करेगा मैच। नक्कीच ज्या पद्धतीनं दोन मोठे झटके, ओमकार पाटील खारगर टीमचा खेळाडू अष्टपैलू भूमिका नेहमीच या खेळाडूच्या माध्यमातून सार्थ होताना पाहिली आणि त्याची प्रचिती या पहिल्या ओवर मध्ये पाहायला मिळते। रोशन देखिए बीजेपी का स्लोगन है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमेशा अच्छे दिन तभी आते जब बुरे दिनों का सामना करते हो, बेहतरीन दिन ये बुरे दिन है अभी टीम खारगर के लिए, लेकिन अब अच्छे दिन आ रहे हैं। दो बॉल दो विकेट बहुत बढ़िया, ये कमबैक हो रहा है अब टीम खारगर का और ओमकार की जय जयकार हो रही है। परेश कडके आउट हुए, दूसरा भी विकेट गया, ऐसे में थोड़ा प्रेशर आया है टीम रोडपाली पे, क्योंकि पावर प्ले में विकेट गए, लो स्कोरिंग 27 का टारगेट। बिल्कुल सटीकता से गेंदबाजी, बल्ले के जड़ में, ये लेजर बॉल थी, इतनी तेज बॉल कर रहे कि बैट्समैन को मौका नहीं मिल रहा है बड़े स्ट्रोक खेलने का। न किसी ही खासियत नेहमीच ओमकार पाटील जी, ज्या पद्धतीनं 4 चंडू एक ही धाव न येणं आणि त्यानंतर बबुल भगतनं सायकर फलंदाज निखिल कडके करे आपण येणंही खूप जमेची बाजू असणार आहे। बिलकुल नाईट रजनी में जितनी तेज बॉल करोगे उतना फायदा मिलेगा और इनकी रफ्तार तकरीबन 110 की है। धीमा किया बॉल को, वापिस चाला की मास्टर माइंड प्लानिंग अपनाई, ये बहुत जरूरी होता है कि आप 6 गेंदे अलग फेंके, जैसे नावडे के प्रशांत खानावकर करते, अपने बड़े गेंदबाजों को देखा होगा महाराष्ट्र एक्सप्रेस विजय पावले करते, बिल्कुल अगरकर करते, वो गेंदबाजी करिए मिश्रित ओवर। नक्कीच एक चांगली शक्कल लढवली जाते ओमकार पाटील या खेळाडूकडून, फक्त एकच जाव त्याने खर्ची केली, इकॉनॉमिकल स्पेल तो सध्याच्या घडीला साकार करतो। अंतिम बॉल मार्गस्थ ओमकार तयार। ओमकारचा हा चेंडू बबुल साठी, पैसा वसूल गोलंदाजी शिवशक्ती खारगर, अर्थातच आज नाव पाहायला मिळतो सार्थ धनवी 11 शिवशक्ती खारगर या नावाने खेळत असताना खारगर आणि पहिल्या षटकाच्या खेळीनंतर एकूण धाबा धावपटलावरती 2 गडी बाद फक्त 1। गावदेवी इथे कणपोली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी लगेचच चष्टेशी संपर्क साधायचा आहे। अथर्व कीर्ती 11 कणपोली क्रिकेट संघाचे संघनायक, रेडी राहायचे तुम्ही?
क्या बात है, एक रनों की ओवर उसमें से दो विकेट सोने पे सुहागा। इससे बढ़िया ओवर शायद एमएलए ट्रॉफी में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर आएगी। अब 26 चाहिए तीन ओवर में, कमाल का मुकाबला, ये पैसा वसूल होगा। लेकिन बबूल का बल्ला चला तो रोटपाली पैसा वसूल करेगी नक्कीच। ज्या पद्धतीनं खेळाचा पहिला पूर्वार्ध राहिला, कुठेतरी खारगड टीमच्या बाजूने तो खेळ राहिला नाहीये, तिथे बाजू मारली होती खऱ्या अर्थानं श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली या टीमनं। परंतु जसा उत्तरार्धाचा कालखंड आला तिथे मात्र बाजी मारताना आपण सार्थ दनवी इलेवन शिवशक्ती शिवशक्ती ह्या नाव खूप काही बल देऊन जात खारगड टीमला। देखिये निलेश कडके या पर उतरे, निखिल ये बल्लेबाज की अगर बात करें ना तो परेश कड़के के बाद इनका नंबर लगता है। ये बड़े फॉर्म में, क्योंकि मिडल ऑर्डर पे ये खिलाड़ी पारी को संभालता है। जैसे सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या को आपने देखा, वही हार्दिक पांड्या रोटपाली का। फुलर लेंथ की बॉल थी, बल्ले के जड़ में लगी, मिस टाइमिंग रहा थोड़ा सा मिड विकेट पे। बबूल करेंगे स्ट्राइक रोटेट और यहाँ से एक और रन मिलेगा, एक और रन मुकम्मल। सातत्यान सातत्यान खेळपट्टी मात्र गोलंदाजाला सध्याच्या घडीला मात्र साथ देताना पाहायला मिळते, कारण अलीकडच्या लढतीमध्ये सुद्धा धावा होताना आपण पाहिला नाहीये आणि या लढतीमध्ये सुद्धा फक्त धावा पाहिल्या। 26 जिंकण्यासाठी 27 धावसंख्येची आवश्यकता आहे रोडपाली टीमला। बबूल तयार आहे, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। बल्ले के स्लॉट में और गई देवीचा पाड़ा के प्लॉट में, बिगिट एमएलए ट्रॉफी, बबूल पैसा वसूल चक्का। बबूल भगत आक्रमक होत असताना डीप मिडविकेटच्या डोहीवरून सलामी ठोकणारा, अमदार ट्रॉफीतील धमाकेदार षटकार खेचत असताना आता समीकरणाचा विचार केला दीपेश, तर येणारे 16 चेंडूंनी जिंकण्यासाठी एकूण 19 धावसंख्येची आवश्यकता आहे श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली टीमला। मुकुंदने ये गेंद तो रडार में फेंकी और ये मौके पे थे, जैसे चीता झपट्टा मारता है हिरन पे वैसे झपट्टा मारा और ये मौके पे चक्का लगा। कहते आपके हौसले को ये मत बताओ परेशानी कितनी बड़ी है, भाई परेशानियों को बताओ आपके हौसले कितने बड़े। ये बबूल के हौसले बहुत बड़े। राउंड विकेट, ओ शॉट है भाई, लजीज जायकेदार चौका। ये 10 रन संजीवनी है टीम रोटपाली के लिए। पहा प्रवीण अक्षरशः गोलंदाजाच्या भावनेशी खेळतो, कारण गोलंदाजाचा माइंड रिएक्ट केला आणि त्यानंतर हे फटके पाहायला मिळतात। अलीकडच्या चंडुगणिक डीप मिड विकेटच्या डोईवरून षटकार पाहिला आणि त्यानंतर विरूपंती फटकेबाजी, बॅटिंग मार्कवर बबूल भगत ऑन अ फायर। बबूल खेळ रे या खिलवाड कर रे, ऐसा लग रहा है कि ये खिलवाड होता हुआ। जी हाँ स्ट्रोक बढ़िया है, गैप में स्वीपर कवर पे कॉर चौका, 3-14 है 3 बॉल पे, शानदार बैटिंग इनकी। ज्या पद्धतीने अवकाळी पाऊस धो बरसावा त्या पद्धतीने धावसंख्येची बरसात पाहायला मिळते। प्रवीण अलीकडच्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त एकच धाव होती, आता धावसंख्या बरसती। ये गिरगिट है क्रिकेट, एक ओवर में खुश किया खारगर को, ऐसा लगा जीतेगी, लेकिन बबूल ने दूसरे ओवर में बारिश कर दी रनों की। ये चलिए विकेट कीपर को लग के बेल्स या फिर सीधा स्टंप पे, अंपायर ये डीआरएस लिया यहाँ पे कि गेंद कहाँ पे लगी, बेल्स कैसे गिरी। विश्वास पाटील यांची चलाकी कामा येते, अप्रतिम अप्रतिम आपण कीपिंग पाहू शकाल, क्लोज कीपिंग कशी असावी याचं ज्वलंत उदाहरण इथे पेशकश केलं जातं। तिसरे पंच इथे पडताळणी करतील, कारण दिलीप माली सर खेळणे तिथे सज्ज आहेत कंट्रोल रूम मध्ये। तीसरे अंपायर यहाँ पर बताएंगे इट्स OUT आउट, बैट्समैन गो टू डग आउट। मोठ्या फटक्यानंतर दिलासादायक गोलंदाजीचं आकलन, क्रिकेटचं रणकंदन माजत असताना मुकुंद पाटीलनं विकेटचं पतन केलं आणि ते मात्र दिलासादायक कार्य राहिलंय या षटकामध्ये। समीकरणाकडे पाहायचं झालं तर एकूण 13 चेंडूंनी जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 11 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। खेळाडू बाद होतो, बबूल भगत तंबूच्या दिशेने परत। क्या बात है, अब 13 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता है, दो तरफा मैच है, विनिंग परसेंटेज 50-50 दोनों के खाते में, मुकाबला बढ़िया है। रोशन खारगर प्रीमियर लीग समाप्त हुई और प्रवीण दादा पाटिल जो नगर सेवक है उनका बहुत बढ़िया आयोजन आपको देखने मिला, खूबसूरत आयोजन, दमदार पद्धतीचं ही आपल्याला आयोजन पाहायला मिळतं। आमदार ट्रॉफी देवीचा पाडा 2023 आणि खऱ्या अर्थानं
येणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं वाडा ग्रुप आपलं सहर्ष स्वागत करत आहेत. वाडा ग्रुपची काय लकब आहे ते आपल्याला सहा रात्रीमध्ये पाहायला मिळेल. बिलकुल रोशन, देखिए मुकाबले में कमबॅक करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट गेंद है मुकुंद की, क्योंकि मुकुंद के ओवर में बहुत सारे रन गए, दो चौके एक छक्का एक सिंगल, इनके ओवर में 15 गए, इनको अंतिम गेंद डॉट फेंकनी चाहिए तब 12 पे 11 बचेंगे, लेकिन अब 13 गेंदे 11 की आवश्यकता. कहते पाने को तो कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. सिंगल डबल का मैच बनता हुआ अंतिम गेंद पे आया सिंगल, 13 गेंद पे 11 थे, अब गेंद बची है 12, रन चाहिए 10, महज दो बड़े स्ट्रोक चाहिए टीम रोटपाली को. परंतु तीसरा षटका मध्ये एक धारदार गोलंदाजी साकलन झालं तर मैच ही मात्र बनू शकते. 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावसंख्येची आवश्यकता. पहा अनेक प्रेक्षक या मॅचला एन्जॉय करतात, निलेश दुर्गे सुशील दुर्गे हे सुद्धा एन्जॉय करतात, आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. लक्ष बधू या मॅच कडे, श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली आणि या संघाच्या अगेन्स्ट खेळतो सार्थ दनवी 11 शिवशक्ती खारघर. आणि 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावसंख्येची आवश्यकता. आणि जलपानानंतर डीजे बाला यांचा बोलबाला आपण डीजेच्या माध्यमातून पाहू शकाल. रोडपाली के पास 10 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन खारघर के पास बढ़िया गेंदबाज विश्वास पाटिल मुकुंद है, ये दो गेंदबाज इनके अभी खाते में बचे है, शायद सूरज भी इनके पास बढ़िया गेंदबाज है, बात बनेगी डॉट गेंदे चाहिए इनको. परंतु प्रवीण पहिला पूर्वार्ध मध्ये 35-40 धावा यायला हव्या होत्या, तिथे धाव संख्येचं आपण खंडन पाहिलं, फक्त आल्या 24 आणि रोखायच्या 27, आणि ते संघर्षाचं कालखंड हा गाजावा लागेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती येतो विश्वास पाटील, अनेक वर्षांचा तजुर्बा अनेक वर्षांचा अनुभव त्याला आता इथे खेळपट्टीमध्ये ओतावा लागेल. विश्वास की ओवर आ गई, पीछे रखा लेंथ को, वेट एंड वॉच बीट किया शशि जाधव को, और यहां से शून्य आएगा. शशि की ओवर बहुत बढ़िया थी, अब इनका बल्ला चलना चाहिए. कहते रात में सितारे चमकेंगे तो उनकी चमक बेहतरीन होगी. नक्कीच दोन अनुभवी खेळाडू आमने सामने खेळतात, म्हणजे बॅटल तितकं चांगलं राहील. विश्वास पाटील तयार, दोनों भी बढ़िया है, तजुर्बे से भरे है. धीमी गति की ब्रेकिंग बॉल छूट गई, ये किस्मत भी खराब है, लेकिन रोडपाली की किस्मत अच्छी है, ये पूरा मैच गया ऐसा लग रहा है. खऱ्या अर्थाने रोडपाली टीम साठी ही गोड बातमी होती, तिथे शतरक्षक सज्ज होते अविनाश कडून. क्या बात है, अविनाश का मतलब है एंड डिस्ट्रॉय, लेकिन मैच का विनाश वो शायद खुद करना चाहते हैं. अब ये गलती से बॉल छूटने के बाद टारगेट थोड़ा छोटा सा होता हुआ, महज 6 रनों की आवश्यकता, एक हाथ बड़ा स्ट्रोक शशि जाधव, ये नाम बहुत बड़ा है. एक मोटा फटका खूब काही सांगून जाईल, तो फटका खेळण्याचा प्रयत्न एमएस धोनी स्टाइल ही मॅच मात्र फिनिश केली आहे. श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली टीमचा पाहायला मिळतो गाजा बाजा आणि ही मॅच जिंकली आहे. क्या बात है, अंतिम बॉल को एमएस धोनी स्टाइल में फिनिश किया मैच फिनिशर शशि जाधव, और पहला मैच 2 ओवर में कानपुरी ने चेस किया, और रोडपाली ने दूसरा मैच 15 गेंदों पे चेस किया, आज 2 मुकाबले चेस हुए, 2 मुकाबले बहुत बढ़िया जल्दी चेस हुए, वन साइड चेस हुए, और इस मुकाबले का हीरो होगा गेंदबाज, क्योंकि रन थे 27, लो स्कोरिंग का मैच था, तो ये अवार्ड जाएगा किसी एक गेंदबाज के लिए, और वो जरूर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा